दो लोग जब शादी करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अपने जीवन की एक खूबसूरत यात्रा को पूरा करने का वादा करते हैं। लेकिन आजकल के जीवनचर्या में पति और पत्नी दोनों घर चलाने और पैसे कमाने की दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ये रिश्ता निभा पाना उनके लिए आसान नहीं हो पाता है। सुखी शादीशुदा जीवन के लिए सिर्फ प्रेम ही जरूरी नहीं होता, इस रिश्ते में सम्मान, आपसी समझ जैसे गुणों का होना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तब अक्सर नौबत तलाक की आ जाती है। तलाक पति और पत्नी दोनों के लिए मानसिक स्तर पर बहुत लंबे समय के लिए हावी रहता है। इसलिए ऐसी सलाह दी जाती है कि तलाक के फैसले तक पहुंचने से पहले पति और पत्नी थेरेपी, आपसी समझ या बड़े बुजुर्गों की सहायता से रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करें। शादीशुदा जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे न केवल आपका बल्कि आपके साथी और आपके परिवार का भी जीवन काफ़ी आसान और खुशहाल रहेगा। शादी में ये हो सकता है कि आपकी और आपके साथी की पसंद और नापसंद बिल्कुल भी मेल ना खाती हो। ऐसे हालात में अपने साथी को बदलने का प्रयास करना गलत है। इससे बेहतर है कि आप अपने साथी को उसकी पसंद नापसंद के साथ वो जैसा है वैसे ही अपनाएं। अपने साथी की इच्छाओं का सम्मान करना किसी भी शादी की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि विचार, पर्सपेक्टिव्स और इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन उससे आपस के प्यार और रिश्ते पर असर पड़ना जरूरी नहीं। यदि आपके रिश्ते में खटास आ रही है तो थेरेपी या किसी का परामर्श लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसा करना ये दिखाता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने संजीदा हैं और उसे बचाने की हर संभव कोशिश करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी पहले के मनमुटाव के चलते एक दूसरे की बातें सुनना और समझना नहीं चाहते, लेकिन वही बात जब किसी थेरेपिस्ट या मित्र या बड़े के पर्सपेक्टिव से समझाई जाए तो समझ आ जाती है। शादी या किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हर इंसान में माफ करने का गुण होना बेहद जरूरी है। अगर आपका साथी अपने किसी व्यवहार या गलती को स्वीकार कर रहा है और उससे आपको मुश्किल या परेशानी हुई उससे समझ पा रहा है और अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहा है तो उसे एक मौका अवश्य दें। अपने साथी को दिया गया मौका अपने रिश्ते को बिखरने से बचा सकता है। छोटी बड़ी बातों को मन में बैठा कर रखने से कहीं बेहतर है कि हम सामने वाले को माफ करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। शादी में कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अक्सर हमें अपने जीवन साथी से बढ़कर परिवार और बच्चों के बारे में सोचना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा तभी होना चाहिए जब आपका अपने जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल हो और जब ऐसा महसूस हो कि आपके रिश्ते में कोई परेशानी आ रही है तब आपकी प्राथमिकता आपका जीवन साथी होना चाहिए। ठीक समय पर इस बात का एहसास हो जाना कि आपके जीवन साथी को आपकी आवश्यकता है आपके रिश्ते को बिखरने से बचा सकता है। अक्सर ऐसा होता है किसी बहस के दौरान या बातों ही बातों में हम अपने जीवन साथी की तुलना किसी तीसरे व्यक्ति से कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा करके हम अपने जीवन साथी को जाने अनजाने इस बात का एहसास दिला देते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए सही नहीं है।
किसी दूसरे के घर में क्या चल रहा है या उसका अपने जीवन साथी के साथ क्या व्यवहार है, ये बाहर से जान पाना संभव ही नहीं है। इसलिए किसी और के रिश्ते के आधार पर अपने रिश्ते में खटास डालना मूर्खता है। इसके अलावा ये बेहद आवश्यक है कि आप चाहे जितने गुस्से में हो, अपने साथी के लिए कभी किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जिससे उन्हें बुरा लगे। इसके अलावा किसी भी झगड़े या बहस के दौरान मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी या रिश्ता खत्म करने की बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने रिश्ते की सभी संभावनाएं खत्म कर देते हैं। किसी भी रिश्ते में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। कई बार गुस्से में इंसान सब कुछ कह जाता है जो उसे मालूम है कि उसे नहीं कहना चाहिए। कई बार ये गुस्सा आपके साथी के मन में बहुत गहरी चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए बातचीत के बीच अगर आपको कभी गुस्सा आए भी तो ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। गुस्से को ठंडा करने के लिए एक लंबी गहरी सांस लें, 10 मिनट के लिए घूम कर आएं और उसके बाद जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब उस टॉपिक पर बात करें।